हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का लाइटरूम कलर ग्रेडिंग फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको इस टाइप का ब्राउन टोन एडिटिंग सीखना है तो आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दें। आपको सबसे पहले अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने फोटो को पहले ऐड कर लेना है। सो यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड करने के बाद में आपको ऑल फोटोज़ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने फोटो को ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे इसके पहले कलर्स में चले जाना है। यहाँ पे आपको नीचे कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ से इसके टेम्परेचर को आपको इंक्रीज कर लेना है लगभग 50। देन इसके टिंट को भी आपको लगभग 50 रखना है। देन फिर यहाँ से इसके वाइब्रेंस को आपको माइनस कर लेना है कुछ इतना, लगभग 20। देन फिर आपको इसके मिक्स टूल पर जाना है ऊपर, देन ऑरेंज टोन में जाना है और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को कम कर लेना है ऑरेंज टोन के लगभग 24। देन फिर आपको येलो में जाना है और इसकी ह्यू को बिल्कुल माइनस में 100। देन इसकी सैचुरेशन को आपको माइनस में 70 रख लेना है। देन यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस को भी डिक्रीज कर रखना है लगभग 25। देन फिर आपको यहाँ पर ग्रीन टोन पर क्लिक करना है और ग्रीन टोन की भी ह्यू को आपको माइनस में रखना है लगभग 100। देन सैचुरेशन को माइनस में 75 और यहाँ से इसके लुमिनेंस को भी आपको लगभग 30 में माइनस रख लेना है। देन यहाँ से कर देना है डन। देन इतना होने के बाद में आपको यहाँ पे इसके लाइट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है लगभग 30 माइनस में। और यहाँ से फिर इतना होने करने के बाद इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है और इसकी क्लियरिटी को आपको इंक्रीज रख लेना है लगभग 10। देन डेंस को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज लगभग 6 या 7। देन इसके विग्नेट को आपको माइनस रख लेना है लगभग 40। देन यहाँ से इसके मिड पॉइंट को आपका डिक्रीज करना है लगभग 20। देन इतना होने के बाद में आपको यहाँ पे इसकी शार्पनिंग पे क्लिक कर देना और इसकी शार्पनिंग को आपको इंक्रीज रख लेना है लगभग 20। देन इसके फिर कलर नॉइस को भी आपको इंक्रीज रखना है जिससे हमारे कलर का टेक्सचर ना आ जाए, तो कुछ इतना। इसके नॉइस रिडक्शन को भी हमें इंक्रीज रखना है जिससे हमारा वो कलर बिगड़े ना। देन इतना करने के बाद में आपको फोटो बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो आपको सेव वाले ऑप्शन पे जाके इसको सेव टू डिवाइस में क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आपको फोटो सेव हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी एडिटिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।